वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। देखिए हम सी सेट कर रहे हैं जिसमें हम नंबर सिस्टम टॉपिक हमने लिया है। आपको प्लेलिस्ट पे बाकी के क्वेश्चन मिल जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो आपको डिटेल आप तक पहुंच जाए, जो भी क्वेश्चन मैं कराऊँ तो आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 405 मीठी चीज़ें बच्चों में समान रूप से इस तरह बांटी गई थी कि प्रत्येक बच्चे को प्राप्त चीज़ों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 20% था। प्रत्येक बच्चों को कितनी चीज़ें प्राप्त हुई? देखिए फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 405 चीज़ें हैं, ठीक है, बच्चों में इस तरह से बांटी गई कि प्रत्येक बच्चे को जो चीज़ें प्राप्त होंगी उनकी संख्या क्या है, कुल बच्चों की संख्या का 20%। ठीक है, तो बच्चों को कितनी चीज़ें मिली, यहाँ से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन का। देखिए माना बच्चों की संख्या एक्स है, माना बच्चों की संख्या एक्स मान ली, ठीक है, तो बच्चों की संख्या इनटू प्रत्येक बच्चे को मिली चीज इक्वल टू 405, ठीक है, बच्चों की संख्या इनटू प्रत्येक बच्चे को जो चीज़ मिली है इक्वल टू 405, क्योंकि 405 मीठी चीज़ें बच्चों में बांटी गई हैं। ठीक है, तो बच्चों की संख्या कितनी है x है इनटू प्रत्येक बच्चे को मिली चीज़, तो प्रत्येक बच्चे को जो चीज़ मिली है वो क्या थी, कुल बच्चों की संख्या का 20% थी, तो कुल बच्चों की संख्या का 20% इक्वल टू 405, राइट, तो x इनटू और इसका 20% यानी x परसेंटेज कैसे निकालते हैं, a डिवाइड बाई 100, ठीक है, x इंटू 20 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 405। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम निकालेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, ये x x स्क्वायर इक्वल टू 405 इंटू 100, ठीक है, और डिवाइड बाई 20, ऐसे हो जाएगा 2 5 10, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 की मल्टीप्लाई 405 में हो जाएगी, 5 5 20, तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया 20 25, ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये हमारा आंसर आया था, तो अब रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 45, ये हमारा एक्स हो गया। ठीक है, तो प्रत्येक मतलब ये बच्चों की जो बच्चों की संख्या 45 हो गई और प्रत्येक बच्चे को जो चीज़ मिली है वो कितनी चीज़ें बच्चों को मिली है, ठीक है, प्रत्येक बच्चों को मिली चीज़, आगे यहाँ से नोट कर लीजिए, नेक्स्ट कराते हैं। बच्चों की संख्या निकल के आ गई, प्रत्येक बच्चे को मिली चीज़ ये कितना था, फॉर एक्स इंटू 20 ये 100 था, ठीक है, तो प्रत्येक बच्चों को कितनी चीज़ मिली थी, यानी 45 हमारे टोटल स्टूडेंट मतलब बच्चे थे और ये 100, प्रत्येक बच्चों को मिली चीज़ कितनी थी, यहाँ पे कुल बच्चों की संख्या का 20%, ठीक है, तो कुल बच्चों की संख्या कितनी है 45, 20% थी, इसका निकल के आ गया, ठीक है, 0 से 0 गया, 2 5 10, 5 9 45, इस तरह से हम कैलकुलेशन कर लेंगे। तो 9 चीज़ें हैं जो प्रत्येक बच्चे को मिली हैं, तो आपका ऑप्शन में 9 आंसर होगा, वहाँ आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।